हार्दिक पांड्या फैंस के निशाने पर है। लोग उनकी कप्तानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पांड्या की कप्तानी में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दूसरा T20I मैच हार गई है और इसके बाद ही लोगों ने हार्दिक की कप्तानी पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए। लोग सबसे ज्यादा इस बात से खफा थे कि हार्दिक ने युजवेंद्र चहल से चौथा ओवर क्यों नहीं फेंकवाया। इस बात से नाराज पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने सबसे पहले ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चहल ने दोनों ही मैचेस में अपने कोटे के पूरे चार ओवर नहीं फेंके। एक फैन ने ट्वीट कर दिया, हार्दिक पांड्या कप्तानी छोड़ दो, तुम इसके काबिल नहीं हो। इससे साफ पता चल रहा है कि विराट कोहली के बिना टीम ना तो नीदरलैंड्स, ना आयरलैंड्स, ना जिम्बाब्वे में भी नहीं जीत सकती। संजू सैमसन को कैप्टन बनाओ, कुछ तो सुधार आएगा ही। एक दूसरे फैन ने BCCI और IPL को कोसते हुए कहा, BCCI और IPL ने इन्हें इतना ज़्यादा पैसा दे दिया है कि वे अपने खुद के देश के लिए परफॉर्म नहीं करना चाहते। वेस्टइंडीज से लगातार दो मैच हारना माइंडसेट, तैयारी और परफॉर्मेंस सब बता रहा है। हार्दिक पांड्या घमंड से भरे शब्द बोलते रहते हैं और हारते रहते हैं। हर्षा भोगले ने भी इस बीच ट्वीट किया। उन्होंने कहा, वेस्टइंडीज ने फिर से सफ़ेद गेंद की क्रिकेट में भारत की समस्या उजागर कर दी है। वो जीते क्योंकि निचले ऑर्डर में उनके पास छक्के मारने वाले बल्लेबाज हैं। आपको 9-10 नंबर पर बल्लेबाज नहीं चाहिए, लेकिन जो हों वो बाउंड्रीज मारने की क्षमता रखते हों। इसी ट्वीट के नीचे जवाब देते हुए एक फैन ने लिख दिया, हार्दिक पांड्या की कप्तानी समझने की दो संभावना है। पहली, वह चहल से बॉलिंग ना कराने का जुआ खेलकर MS धोनी जैसा दिखना चाहते हैं, और दूसरा, वह खुद मैन ऑफ द मैच जीतना चाहते हैं इसलिए चहल को ओवर्स नहीं दे रहे। एक और फैन ने लिखा, जब चहल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हार्दिक पांड्या ने उन्हें रोककर मुकेश कुमार को बुला लिया। ये बंदा रोहित शर्मा को जगह लेने आया था और वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दो मैच हार चुका है। तो एक फैन ने BCCI के मैच रिपोर्ट वाले ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, चहल का चौथा ओवर अर्शदीप और मुकेश से पहले फेंकवा लेना चाहिए था, हमने मैच वेस्टइंडीज को गिफ्ट कर दिया, खराब कप्तानी। जबकि एक फैन ने कहा, कुंगफू पांडा ने फिर से खराब कप्तानी की, कोई भी कप्तान चहल को 18वें या 19वें ओवर के लिए चुनता, लेकिन हमारे पांडा यूनिक बनना चाहते हैं, उन्होंने चहल को आखिरी ओवर के लिए रखा जिससे वह बाउंड्री लाइन से गेंद ला सके। हार्दिक से फैंस इसलिए खफा हैं क्योंकि यूजी ने अपने एक ही ओवर में मैच पलट दिया था। वेस्टइंडीज ने 15 ओवर में 5 विकेट खोकर 127 रन बना लिए थे। उनकी टीम को 30 गेंदों पर 26 रन चाहिए थे। इसके बाद 16वां ओवर यूजी चहल लेकर आए। शिमरन हेटमायर के साथ रोमानिया शेफर्ड खेल रहे थे। चहल की पहली गेंद पर शेफर्ड रन आउट हो गए, उन्होंने एक भी गेंद नहीं खेली। अब जेसन होल्डर आए, उन्होंने पहली दो गेंदें डॉट खेली, तीसरी परेशान ने उन्हें स्टंप कर दिया। यूजी ने गेंद ऑफ स्टंप के आसपास फ्लाइटेड फेंकी थी। होल्डर इसे ड्राइव करने के लालच में आगे गए, लेकिन टर्न के चलते वह गेंद से कनेक्शन नहीं बना पाए। हालांकि इस चक्कर में वह हल्का सा डिसबैलेंस हुए और बाकी काम ईशान ने पूरा कर दिया। टीवी अंपायर ग्रेगरी ब्रैथवेट ने कई रिप्ले देखने के बाद होल्डर को आउट करा दिया। अब आया अकिल हुसैन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक हेटमायर को दे दी। चहल ने आखिरी गेंद पर उन्हें LBW कर लिया। हालांकि ग्राउंड अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया था, लेकिन DRS लेने पर हेटमायर विकेट के आगे आ गए और आउट करार दिए गए। इस ओवर में कुल 3 रन बने और इतने ही विकेट्स आए। मुकेश ने 17वें ओवर में भी 3 ही रन दिए। मैच फंस गया, लेकिन कप्तान हार्दिक ने इसके बाद चहल को ओवर नहीं दिया और जनता इसीलिए भड़की हुई है। इससे पहले भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज ने 7 गेंदें बाकी रहते ही मैच खत्म कर दिया। निकोलस पूरन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पूरन ने 40 गेंदों पर 67 रन बनाए थे। अगर आपको भारत और वेस्टइंडीज सीरीज से जुड़ी और भी खबरें चाहिए तो हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। स्टोरी को लिखा था हमारे साथी सूरज ने, कैमरे के पीछे है मोहन, मेरा नाम है विपिन। शुक्रिया।